अभी क्वेश्चन फाइव देखिए। क्वेश्चन फाइव में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स है और इन दोनों की पावर कितनी है, यहाँ पर 6। ओके, तो यहाँ पर भी इसको भी हमें एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर भी हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। ओके, बाइनोमियल थ्योरम क्या है हमारी, a प्लस बी की पावर n इक्वल एन सी जीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन इंटू बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी की पावर टू प्लस एज इट इज चलते जाएगा, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, एन सी एन और बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस एन हो जाएगी यहाँ पर, तो वो जीरो हो जाएगा, ए की पावर जीरो हो जाएगी और ए की पावर जीरो वन। ओके, तो हमारे पास लास्ट में क्या टर्म बचेगी, एन सी एन बी की पावर एन। ओके, तो देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम है हमारी, तो यहाँ पर ये यूज करेंगे हम, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ओके, ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ पर ये डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर कितनी है हमारे पास, 6। ओके, यहाँ पर एन की अगर हम कंपेयर करें इसको इससे, तो यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है, एक्स, बी की जगह हमारे पास है वन बाई एक्स और एन की जगह है हमारे पास यहाँ पर 6। ओके, तो हम 6 तक ये टर्म यूज करेंगे, तो 6 सी जीरो ए की पावर, सॉरी ए की जगह हमारे पास क्या है x, तो x की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 6 प्लस एन 6 सी वन, x की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस वन और 1 बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1। ओके, प्लस 6 सी टू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस टू और 1 बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2। ओके, प्लस में 6 सी थ्री एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस थ्री और 1 बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3। ओके, प्लस में 6 सी फोर एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस फोर और 1 बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4। ओके, प्लस 6 सी फाइव एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस फाइव और 1 बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5। ओके, प्लस 6 सी सिक्स और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस सिक्स और 1 बाई एक्स की पावर हमारे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6। ओके, तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम में रख दिए ये वैल्यू, तो अभी देखिए हम इनको यहाँ पर हमारे पास जितने भी कम्बिनेशन है 6 सी जीरो 6 सी वन 6 सी टू हम इनकी वैल्यू रख देते हैं और पावर को हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर जितनी भी पावर है, जैसे 1 बाई एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर 4 है। ओके, तो देखिए हमारे पास पहले मैं दो तीन फॉर्मूले लिखूंगा यहाँ पर कम्बिनेशन के, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के। देखिए अगर हमें दिया हो एन सी जीरो तो इसकी वैल्यू हमें हमारी क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, और हमें दिया हो एम सी एन इसकी भी हमारी वैल्यू 1 होती है और हमें दिया हो एम सी वन ओके इसकी वैल्यू हमारी एन होती है और हमारा रैंडम एम सी अगर हमें आर टाइप का कुछ भी गिवन हो इनको छोड़कर तो उसकी वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आपको नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ये तीन फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, एन हमारे पास यहाँ पर क्या है 6 सी जीरो और है 6 सी वन 6 सी टू 6 सी थ्री और यहाँ पर 6 सी फाइव 6 सी सिक्स इनकी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। 6 सी जीरो की हमारी क्या वैल्यू होगी 1, 6 सी वन की हमारी क्या वैल्यू होगी, ये फॉर्मूला लास्ट वाला ये यूज करूँगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 और 6 सी हमारी 2 की क्या वैल्यू होगी, 6 सी 2 की हमारी वैल्यू होगी 15। ओके, अगर आपको नहीं निकालनी आती तो यहाँ पर n की जगह देखिए निकाल कर भी बता देता हूँ मैं, यहाँ पर 6 सी 2 इक्वल यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कराऊँ मैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू
फोर फैक्टोरियल इस प्रकार खोल सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पर हमारे पास टू फैक्टोरियल तो टू ही होता है, और ये कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस टू फोर फैक्टोरियल। ये फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कैंसिल, टू से ये सिक्स कैंसिल, कितना बचेगा थ्री, थ्री इंटू फाइव कितना होगी फिफ्टीन। इसी प्रकार हमारी सिक्स सी थ्री की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी ट्वेंटी। ओके, और यहाँ पर सिक्स सी फोर की हमारी क्या वैल्यू होगी, ये वापस 15 आ जाएगी, और 6C5 की हमारी क्या वैल्यू होगी, ये होगी 6, और 6C6 की क्या वैल्यू होगी, ये होगी 1। ओके, वापस हम NCN वाला यूज करेंगे यहाँ पर केस, तो ये वैल्यू 1 होगी। तो ये सभी वैल्यू मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए 6C0 क्या होगा 1, और x की पावर कितनी है यहाँ पर 6, तो x की पावर 6 प्लस मल्टीप्लाई में है ये। ओके, और यहाँ पर फिर प्लस है, तो प्लस 6C1 की वैल्यू 6, और x की पावर कितनी है 6 माइनस 1 कितना है 5, इंटू में हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 बाय x की पावर 1, तो 1 बाय x। ओके, प्लस 6C2, 6C2 की क्या वैल्यू है, 6C2 की वैल्यू है हमारी 15। ओके, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है x की पावर 6 माइनस 2 कितना हो गया x की पावर 4, और 1 बाय x की पावर 2, तो 1 बाय x की पावर 2, 1 की पावर 2 करूँगा तो 1 ही रहेगा, x की पावर 2 करेंगे तो x के, प्लस यहाँ पर 6C3, 6C3 की वैल्यू क्या है 20, और x की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस 3, तो कितनी पावर बचेगी 3। ओके, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 बाय x की पावर कितनी है 3, तो 1 बाय x। ओके, प्लस में 6C4, 6C4 की हमारी क्या वैल्यू है 15, तो 15 इंटू में x की पावर कितनी है 6 माइनस 4, x की पावर कितनी बचेगी 2, और 1 बाय x की पावर कितनी है 4, तो 1 बाय x की पावर 4। ओके, प्लस यहाँ पर 6C5 है, 6C5 की हमारी क्या वैल्यू होती है 6, और x की पावर कितनी बच रही है यहाँ पर 1, और इंटू में यहाँ पर 1 बाय x की पावर कितनी है 5, तो 1 बाय x की पावर 5 ऐसे लिख देता हूँ मैं। प्लस 6C6 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई में x की पावर 0। ओके, x की पावर 0 कितनी होती है 1। ओके, तो ये यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 बाय x की पावर 6, तो 1 की पावर 6 करेंगे तो 1 ही रहेगा, x की पावर 6 करेंगे तो x की पावर 6। ओके, देखिए x प्लस 1 बाय x की पावर 6 इक्वल x की पावर 6 यहाँ पर, और यहाँ पर 6 इंटू x की एक x ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा x की पावर 4, तो 6 x की पावर 4 प्लस यहाँ पर 2x कैंसिल हो जाएंगे, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x की पावर 4 है, तो x की पावर कितनी बचेगी 2, तो 15x की पावर 2। प्लस में यहाँ पर x की पावर 3 से ये x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है पूरा ही, तो कितना बच रहा है हमारे पास 20, यहाँ पर ये 2 पावर कैंसिल हो रही है, तो नीचे डिवाइड में कितना बचेगा x की पावर 2, तो 15 बाय एक्स स्क्वेयर, प्लस यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर कितनी बचेगी 4 डिवाइड में, तो 6 बाय एक्स की पावर 4, प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1 ही रहेगा, और फिर 1 के मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स की पावर 6 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा 1 बाय एक्स की पावर 6 ही। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, ये हमने एक्सपेंड कर दिया x प्लस 1 बाय x की पावर 6 को। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ।